अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब कुछ खैरियत से होंगे। तो आज हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। हमने एक बकरम लेनी है, उसके ऊपर निशान लगाना है 2 इंच का सीधा, और एक आधा इंच का इसको निशान लगाना है नीचे से, और फिर गुलाई से के साथ निशान लगा लें। ऐसी हमारी एक आस्तीन पे तकरीबन 10-12 लग जाएंगी एक आस्तीन पे। अगर आप 2 के लिए बनाएं तो उसी हिसाब से बना लें, तकरीबन 20-22 बनेंगी, और इसको काट के तकरीबन 20-22 होंगी 2 आस्तीन की। इस पे जिस कपड़े पे हमारा फ्लेपर या आस्तीन सेम का कपड़े पे चिपका के और कंट्रास्ट कपड़े से इसको पल्टी करना है। सिलाई लगा के गोलाई से सारों को पल्टी कर लें। डेढ़ इंच की एक पट्टी काट लें, यानी कि 3 इंच की कटेगी पट्टी। उसको काटने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के उसको पल्टी कर लेंगे जो हमारी आस्तीन पे लगेगी। अखबार पे निशान लगा लें 2 इंच का। 2 इंच का निशान लगा के उसके बराबर पट्टियाँ जो हमने पल्टी करी थी वो काट लें, और काटने के बाद उसके ऊपर रख के हम सिलाई लगा लेंगे। जी दोस्तों, हमने सिलाई लगा ली। अब हम आस्तीन को सेंटर में से काट के जो हमने अखबार पे पट्टियाँ लगाई हैं उसको सिलाई लगा देंगे। जी दोस्तों, हमने जो है पल्टी करी थी उसको ऐसे रख के सिलाई लगा लेंगे सारों को। सिलाई लगाने के बाद हम दोस्तों एक इंच की बुकरम लेंगे, सीधी पट्टी ब्लैक कपड़े पे चिपका के एक साइड उसकी मोड़ देंगे और दूसरी साइड ऐसे छोड़ देंगे। उसके
बुकरम के साथ साथ इन जो हमने ये पलटी करे थे इनको नीचे रख के लगा लेने हैं। तो दोस्तों हमने सिलाई लगा ली, इसके हमने एक कपड़ा लेना है, कपड़े नीचे रख के इसको सिलाई लगा के पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद दोस्तों हम इसको नीचे से मोड़ लेंगे और हमने जो आस्तीन तैयार करी थी उसको इसके अंदर रख के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये लेस है, हम ये लेस इसके साइडों पे और जहाँ 1 इंच की पट्टी लगाई थी वहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों हमने ये पट्टियाँ लगाई थी उसके ऊपर अब मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद दोस्तों हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। दोस्तों हमने मोती लगा लिया, देखें बिल्कुल ऐसे ही सब पट्टियों पे हमने मोती लगाने हैं। तो दोस्तों हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले।